हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस चैप्टर नंबर 6, सॉल्यूशन ऑफ एक्सरसाइज। नेम ऑफ द चैप्टर इज फिजिकल एंड केमिकल चेंज। सेशन 1। सो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द सॉल्यूशन ऑफ एंटायर एक्सरसाइज ऑफ योर बुक। सो लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 इज क्लासीफाई द चेंजेस इन्वॉल्व इन द फॉलोइंग प्रोसेसेस एज फिजिकल और केमिकल चेंजेस। हमें यहाँ पे ना कुछ प्रोसेसेस दिए होंगे नीचे, एंड वी नीड टू आइडेंटिफाई वेदर दिस प्रोसेसेस आर फिजिकल और केमिकल चेंज। वी नो वेरी वेल, जहाँ पर भी कुछ सिर्फ कैरेक्टरिस्टिक चेंजेस होते हैं, कुछ शेप या ऐसे चेंजेस है, देन वी कैन से इट इज़ अ फिजिकल चेंज। एंड इफ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द एंटायर सब्सटेंस इज चेंजेस एंड कुछ नया ही सब्सटेंस बनता है, देन वी कैन से इट इज़ अ केमिकल चेंज। सो लेट्स स्टार्ट विथ फर्स्ट वन इज़ द फोटोसिंथेसिस। यू हैव ऑलरेडी स्टडीड अबाउट दिस इन योर चैप्टर नंबर 1। ये पूरी फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस है जिसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर जो है इन दोनों के बीच प्रोसीड होता है इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, एंड ऑक्सीजन एंड कार्बोहाइड्रेट्स जो है वो फॉर्म होते हैं। सो कुछ न्यू सब्सटेंस बनता है, दैट्स व्हाई वी कैन से दिस वन इज़ अ केमिकल चेंज। नेक्स्ट वन इज डिजोल्विंग शुगर इन वाटर। वी यूज टू डिजोल्व इट, तो क्या होगा, वो पूरी सॉल्यूबल हो जाएगी, डिसअपियर हो जाएगी। सो दिस वन इज जस्ट अ फिजिकल चेंज बिकॉज वी कैन ऑब्टेन द शुगर बैक। नेक्स्ट वन इज बर्निंग ऑफ कोल। When we burn a coal, at that time ashes are generated and we can't get that coal back. That's why we can say it is a chemical changes. Next one is melting of wax. This is the diagram of melting of wax. Wax अगर एक बार melt हो जाता है, then we can obtain it back. आप उसको वापस गर्म करके another shape में ला सकते हो. That's why it is just a physical change. नेक्स्ट वन इज बीटिंग एल्यूमिनियम टू मेक एल्यूमिनियम फोइल। एल्यूमिनियम को बीट करके एल्यूमिनियम फोइल में कन्वर्ट करना है, सो वी आर जस्ट चेंजिंग इट शेप, सो वी कैन से इट इज़ अ फिजिकल चेंज। नेक्स्ट वन इज डाइजेशन ऑफ फूड। फूड गेट्स डाइजेस्टेड, देन वी कांट गेट द सेम फूड बैक, देन ऑब्वियसली ये क्या हुआ, केमिकल चेंजेस। Next question is true or false. We need to identify whether the statement is true or not. Question is state whether the following statements are true or false. In case statement is false, write the corrected statement in your notebook. अगर ये statement गलत है, then हमें corrected statement भी लिखना है. First one is cutting a log of wood into pieces is a chemical change. हम वुड को क्या कर रहे हैं, वी आर जस्ट कटिंग इट, वी आर चेंजिंग इट्स शेप, सो इज़ इट अ केमिकल चेंज? नो, इट इज़ फॉल्स, इट इज़ एक्चुअली फिजिकल चेंज। सो करेक्ट आंसर क्या होगा, कटिंग अ लॉग ऑफ वुड इन टू पीसीज इज़ अ फिजिकल चेंज। नेक्स्ट वन इज फॉर्मेशन ऑफ मैन्यूर फ्रॉम लीव्स इज़ अ फिजिकल चेंज। You have already studied about this manure and how it is formed in the first chapter, and you will also study about this in detail in the next class. तो ये form होता है जब leaves के अंदर से manure, तो वो एक physical change है, dead and decaying जो होते हैं organisms वो ये form करते हैं। It is false because ये physical change नहीं है, ये chemical change होता है because manure is completely new substance. So correct answer is formation of manure from leaf is a chemical change. Next one is iron pipes coated with zinc do not get rusted easily. अगर आयन के पाइप को हम जिंक से पूरा कोटिंग उसके ऊपर लगा देते हैं जिंक का, तो उसके ऊपर रस्टिंग ईजिली नहीं होगा। Is it true or not? Yes, it is true. हम आयन के जो पाइप होते हैं उनको या तो जिंक से कोटिंग प्रोवाइड करते हैं या उसके ऊपर पेंट कर देते हैं, सो रस्टिंग जो है वो इजीली नहीं होगा। नेक्स्ट वन इज
आयरन एंड रस्ट आर द सेम सब्सटेंसेस. क्या आयरन एंड रस्ट ये दोनों सेम सब्सटेंसेस है? नो इट इज़ नॉट. सो ये फॉल्स है. आयरन जब ऑक्सीजन के साथ प्रोसीड करता है एट दैट टाइम इट यूज टू बी कन्वर्टेड इंटू रस्ट. सो करेक्ट आंसर इज आयरन एंड रस्ट आर डिफरेंट सब्सटेंसेस. नेक्स्ट वन इज कंडेंसेशन ऑफ स्टीम इज नॉट अ केमिकल चेंज. हम जब स्टीम को कंडेंस करते हैं वाटर वेपर में से वापर वाटर में कन्वर्ट करते हैं तो ये केमिकल चेंज नहीं है. यस इट इज़ ट्रू बिकॉज ये केमिकल नहीं है, ये फिजिकल चेंज है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज फिल इन द ब्लैंक्स. फर्स्ट वन इज व्हेन कार्बन डाइऑक्साइड इज पास थ्रू लाइम वाटर इट टर्न्स मिल्की ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ डैश. कार्बन डाइऑक्साइड जो है उसको हम जब लाइम वाटर के अंदर से पास करते हैं तो लाइम वाटर जो है ना वो मिल्की कलर का फॉर्म होता है. तो ये किस वजह से होता है, क्या फॉर्म होता है? फॉर्मेशन किसका होता है? कैल्शियम कार्बोनेट का, जिसका केमिकल इक्वेशन है CaCO3, दैट इज़ कैल्शियम कार्बोनेट. नेक्स्ट वन इज़ द केमिकल नेम ऑफ बेकिंग सोडा इज़ डैश. हमें बेकिंग सोडा का केमिकल नेम बताना है. इट्स केमिकल नेम इज़ सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट NaHCO3. Na इज़ सोडियम, एच इज़ हाइड्रोजन एंड CO3 इज़ कार्बोनेट. इट इज़ एक्चुअली CO3 इज़ कॉम्बिनेशन ऑफ कार्बन एंड ऑक्सीजन विच आर नोन एज कार्बोनेट्स. नेक्स्ट वन इज टू मैथड्स बाई विच रस्टिंग ऑफ आयन कैन बी प्रिवेंटेड आर डैश एंड डैश. हमें तो मैथड का नाम बताना है जिससे आयन के रस्टिंग को हम प्रिवेंट कर सकते हैं. आंसर इज गैल्वेनाइजेशन एंड पेंटिंग. जो हमने प्रीवियस क्वेश्चन में डिस्कस किया कि जिंक का जो हम कोटिंग करते हैं दैट प्रोसेस इज नॉन एज गैल्वेनाइजेशन एंड अनदर ऑप्शन हम पेंटिंग करते हैं. नेक्स्ट वन इज चेंजेस इन विच ओनली डेस प्रॉपर्टीज ऑफ अ सब्सटेंस चेंज आर कॉल्ड फिजिकल चेंजेस. अब फिजिकल चेंजेस के अंदर प्रॉपर्टीज में सिर्फ क्या चेंज होता है? जस्ट फिजिकल प्रॉपर्टीज चेंज होती है. सो आंसर इज फिजिकल. केमिकल प्रॉपर्टीज के अंदर सब्सटेंस की कैरेक्टरिस्टिक चेंज होती है और उसके साथ साथ कुछ न्यू, मतलब हम बोल सकते हैं सब्सटेंस जो है वो कुछ न्यू फॉर्म होता है. नेक्स्ट वन इज चेंज इन विच न्यू सब्सटेंसेज आर फॉर्म्ड आर कॉल्ड डैश चेंजेस. अगर कोई एक प्रोसेस के अंदर सब्सटेंस में चेंजेस होकर नया ही कुछ सब्सटेंस फॉर्म होता है तो उसको हम क्या बोलेंगे? वी कॉल इट केमिकल चेंजेस, जो मैंने जस्ट अभी बताया. नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन बेकिंग सोडा इज मिक्स्ड विथ लेमन जूस बबल्स आर फॉर्म्ड विद द एवोल्यूशन ऑफ अ गैस. व्हाट टाइप ऑफ चेंजेस इज इट? एक्सप्लेन. जब लेमन जूस के अंदर आप अगर बेकिंग सोडा मिक्स करते हो ना तो बबल फॉर्म होते हैं और कुछ गैस जो है वो इवोल्यूएट होता है, गैस बाहर रिलीज होता है. तो ये किस टाइप का चेंज है? दैट वी नीड टू एक्सप्लेन. आंसर इज व्हेन बेकिंग सोडा which is also known as sodium hydrogen carbonate is mixed with lemon juice the bubbles which are formed with the evolution of a gas is due to the evolution of carbon dioxide gas. अब जब हम लेमन जूस जो है उसके साथ बेकिंग सोडा को मिक्स करते हैं तो जो बबल फॉर्म होते हैं, जो गैस इवोल्यूट होता है, वो गैस कौन सा है? इट इज़ कार्बन डाइऑक्साइड. इक्वेशन इज बेकिंग सोडा प्लस लेमन जूस और प्रोसेस केमिकल प्रोसेस के बाद प्रोडक्ट क्या मिलती है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्लस अदर सब्सटेंस. वो अदर सब्सटेंस जो है वो क्या है वो हम बाद में डिस्कस करेंगे एंड वी हैव ऑलरेडी स्टडीड इट इन चैप्टर. सिंस देयर इज फॉर्मेशन ऑफ अ न्यू सब्सटेंस इन दिस रिएक्शन इट इज़ अ केमिकल चेंज. तो देखो यहाँ पे बेकिंग सोडा एंड लेमन जूस था, इन दोनों की कैरेक्टरिस्टिक जो है वो मिक्स होकर कुछ नया ही बना, न्यू सब्सटेंस बनता है, दैट्स वाई ये केमिकल चेंज है. हियर यू कैन सी द पिक्चर. यहाँ पे देखो ये जो एक स्टूडेंट है वो क्या कर रहा है कि लेमन जूस के अंदर उसने कलर भी थोड़े डाले हैं, दैट्स वाई इट इज़ अ कलरफुल पिक. बेकिंग सोडा इसके हाथ में इस साइड पे है, जैसे ही ऐड किया तो जो है वो बबल्स निकलते हैं एंड वो पूरा उभर के बाहर आता है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन अ कैंडल बर्न्स
Both physical and chemical changes take place. Identify these changes. Give another example of a familiar process in which both the chemical and physical changes take place. अब जब कैंडल को बंद करते हैं ना, तब फिजिकल एंड केमिकल दोनों चेंजेस होते हैं. हमें ये आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा फिजिकल चेंज है, कौन सा केमिकल चेंज है, और दूसरा ही सिमिलर एग्जांपल देना है कि जिसमें फिजिकल एज वेल एज केमिकल दोनों चेंजेस होते हो. आंसर इज व्हेन अ कैंडल बर्न्स बोथ द फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस टेक्स प्लेस. The melting of wax is physical change as there is no formation of new product. The burning of wax is a chemical change as light is lit up by consuming the energy from the wax. अब जो melt होता है ना wax, वो एक physical change है because उसमें कुछ new formation नहीं है, new product नहीं है. But जब हम wax का burning करते हैं तो वो एक केमिकल चेंज है क्योंकि उसके अंदर से लाइट भी प्रोड्यूस होती है, वो लाइट हमें प्रोवाइड करता है. तो वो लाइट कहाँ से मिली, तो वो वैक्स के अंदर से एनर्जी कंज्यूम करके वो हमें लाइट प्रोवाइड करता है. सो जो बर्न होता है वैक्स, वो एक केमिकल चेंज है, जबकि मेल्टिंग है वो एक फिजिकल चेंज है बिकॉज मेल्टेड जो वैक्स है उसको आप वापस गर्म करके अनदर शेप के अंदर फॉर्म कर सकते हो. Another example would be eating of food which is both physical and chemical because food get digested which is a chemical changes and the larger food particles is converted into smaller food particles which is a physical change. जो हम खाना खाते हैं उसमें भी physical and chemical दोनों changes होते हैं. जब हम मुँह में रख के खाना जो है वो chew करते हैं तो क्या होगा कि जो लार्जर पार्टिकल्स थे, जो खाना था वो स्मॉल पार्टिकल्स के अंदर कन्वर्ट हुए. सो वी कैन से इट इज़ अ फिजिकल चेंज. बट वो बकल कैविटी के बाद जैसे ही डाइजेशन के लिए जाएगा तो पूरी डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर जब वो पास होता है तो कुछ न्यू सब्सटेंसेस फॉर्म होते हैं, उसके अंदर से न्यूट्रिएंट्स लिए जाते हैं. सो वी कैन से इट इज़ अ केमिकल चेंज. तो हम जो खाना खाते हैं उसमें भी दोनों टाइप के चेंजेस इन्वॉल्व है. दिस इज जस्ट a diagram of physical and chemical change of the wax. Next question is, how would you show that setting of curd is a chemical change? जब milk में से हम curd बनाते हैं तो we need to prove कि ये chemical change है. वो हम कैसे explain करेंगे? Answer is, curd is formed from milk. Both curd and milk have different properties. Also, once the curd is formed, it cannot be reversed back into milk. So there is formation of new substance with different properties and also an irreversible process. Setting of curd is a chemical change. अब जो curd form होता है वो milk के अंदर से होता है. Milk and curd, इन दोनों की जो properties है ना वो completely different है. Even एक बार अगर कर्ड फॉर्म होता है, दही बन जाता है दूध में से, तो हम वापस वो दही में से दूध नहीं बना सकते. सो ये जो फॉर्मेशन है वो न्यू सब्सटेंस फॉर्म करता है. लाइक मिल्क में से कर्ड बनाया तो मिल्क एंड कर्ड की कैरेक्टरिस्टिक भी चेंज डिफरेंट है, एज वेल एज ये इरिवर्सिबल प्रोसेस है, मतलब हम कर्ड में से मिल्क नहीं वापस बना सकते. सो ये इरिवर्सिबल प्रोसेस हुई. सो वी कैन से फॉर्मेशन ऑफ कर्ड इज अ chemical change. Here you can see this is diagram of the milk and this one is of the curd. Next question is, explain why burning and of wood and cutting it into small pieces are considered as two different types of changes. अब हम wood को जब burn करते हैं, जलाते हैं लकड़ी को, उसको and लकड़ी को cut करना, इन दोनों को हम डिफरेंट टाइप ऑफ चेंजेस क्यों बताते हैं? आंसर इज व्हेन वी बर्न वुड इट टर्न्स इनटू एशेस व्हिच इज अ न्यू सब्सटेंस एंड प्रोसेस इज इरिवर्सिबल वन हैंस इज अ केमिकल चेंज. व्हाइल कटिंग द वुड इनटू स्मॉल पीसेस वी गेट नो न्यू सब्सटेंस हैंस इज अ फिजिकल चेंज. जब हम वुड को ना बर्न करते हैं, जलाते हैं लकड़ी को, तब उसके अंदर से एशेस फॉर्म होते हैं जो एक न्यू सब्सटेंस है,
और इवन एशेज को कलेक्ट करके वापस उसमें से हम वुड नहीं बना सकते. सो ये इरिवर्सिबल प्रोसेस है. दैट्स वाई वी कैन से इट इज़ अ केमिकल चेंज. बट जब हम उसको कट करते हैं स्मॉल पीसेस के अंदर तो कोई न्यू सब्सटेंस फॉर्म नहीं होता है, जस्ट उसके शेप जो है वो चेंज होता है. दैट्स वाई वी कैन से इट इज़ अ फिजिकल चेंज. दिस इज़ द डायग्राम ऑफ फिजिक. दिस इज़ फिजिकल चेंज. यू कैन सी दिस वन इज़ द फिजिकल चेंज एंड दिस वन इज केमिकल चेंज. नेक्स्ट वन इज डिस्क्राइब हाउ क्रिस्टल्स ऑफ कॉपर सल्फेट आर प्रिपेयर्ड. हमें ये डिस्क्राइब करना है कि कॉपर सल्फेट के जो क्रिस्टल्स हैं वो कैसे फॉर्म होते हैं. आंसर इज क्रिस्टल्स ऑफ कॉपर सल्फेट आर प्रिपेयर्ड बाय द मेथड ऑफ क्रिस्टलाइजेशन. द प्रोसीजर फॉलोड इज गिवन बिलो. अ कप फुल ऑफ वाटर इज इन अ बीकर इज टेकन. फ्यू ड्रॉप्स ऑफ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड इज एडेड टू इट. वाटर इज हीटेड एंड व्हेन इट स्टार्ट्स बॉइलिंग कॉपर सल्फेट पाउडर इज एडेड स्लोली व्हाइल स्टीरिंग टिल नो मोर कॉपर सल्फेट पाउडर डिजॉल्व इन इट. सॉल्यूशन इज फिल्टर्ड इनटू अ चाइना डिश एंड अलाउड टू कूल विदाउट डिस्टर्बेंस. आफ्टर सम टाइम द क्रिस्टल्स ऑफ कॉपर सल्फेट कैन बी ऑब्जर्व इन इट. अब ये प्रोसीजर कैसे होती है वो स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे हमें बताया है. फर्स्ट वन, हमें बीकर के अंदर एक कप वाटर लेना है, फिर उसके अंदर से थोड़े ड्रॉप्स डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड डालना है. सल्फ्यूरिक एसिड डालने के बाद हम उस पानी को गर्म करेंगे और जब बॉयल होना स्टार्ट होना उसके बाद हम उसके अंदर कॉपर सल्फेट पाउडर डालेंगे और हिलाते रहना है. और कब तक डालेंगे? जब तक उसके अंदर ज़्यादा कॉपर सल्फेट जो है वो डिजोल्व नहीं हो सकता. इट मीन्स जब ये सैचुरेट हो जाए ना पूरा सॉल्यूशन, तब तक हम उसके अंदर कॉपर सल्फेट ऐड करते रहेंगे. उसके बाद ये सॉल्यूशन को हम क्या करेंगे, चाइना डिश के अंदर पूरा निकालेंगे फिल्टर करके एंड उसको डिस्टर्ब किए बिना ही ठंडा होने देंगे. थोड़े टाइम के बाद जो कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल्स जो है वो हमें दिखेंगे. एंड कैसे दिखते हैं, लेट्स सी. कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल्स आपको कुछ इस तरीके से दिखाई देंगे. नेक्स्ट वन इज एक्सप्लेन हाउ पेंटिंग ऑफ एन आयरन गेट प्रिवेंटेड इट फ्रॉम रस्टिंग. अब हमें ये बताना है कि पेंटिंग अगर आयरन के ऊपर करते हैं तो वो रस्टिंग को कैसे प्रिवेंट करेगा, उससे रस्टिंग कैसे नहीं होगा. आंसर इज पेंटिंग ऑफ आयरन गेट प्रिवेंट्स इट फ्रॉम रस्टिंग बिकॉज इट प्रिवेंट्स द डायरेक्ट कॉन्टैक्ट ऑफ आयरन फ्रॉम द एनवायरमेंट एंड हैंस देर इज नो फर्दर एक्सपोजर ऑफ आयरन टू ऑक्सीजन इन मॉइस्चर विच कॉजेज रस्टिंग. अगर हम पेंटिंग करते हैं ना आयरन के गेट के ऊपर या किसी भी आयरन से बनी हुई चीज़ के ऊपर, तो क्या होगा कि आयरन और ऑक्सीजन जो है ना वो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में नहीं आएंगे पेंटिंग की वजह से. अगर आयरन एंड ऑक्सीजन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में नहीं आते मॉइस्चर वाले एटमॉस्फेयर के अंदर तो रस्टिंग नहीं होगा. सो पेंटिंग से हम रस्टिंग जो है वो ना हो ऐसी अरेंजमेंट कर सकते हैं. हियर यू कैन सी ये जो बेंच है ना वो पेंटेड है, तो क्या है कि उसके ऊपर कलर है तो रस्टिंग जल्दी से नहीं होगा, जबकि यहाँ पे कलर नहीं था. सो यू कैन सी काफ़ी सारा जो है वो रस्टिंग हो चुका है बेंच के ऊपर. नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक्सप्लेन व्हाई रस्टिंग ऑफ आयरन ऑब्जेक्ट्स इज फास्टर इन कोस्टल एरियाज देन इन डेजर्ट्स. अब रस्टिंग जो होता है वो कोस्टल एरिया के अंदर जो है वो क्यों ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू द डेजर्ट एरिया. आंसर इज आयरन ऑब्जेक्ट्स गेट रस्टेड बिकॉज ऑफ द रिएक्शन विद ऑक्सीजन प्रेजेंट इन मोस्ट एयर. इन कोस्टल एरियाज द प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर इज मोर बिकॉज ऑफ सी और ओशन वाइल इन डेजर्ट्स द एयर इज ड्राई एंड हॉट. देयरफॉर रस्टिंग ऑफ आयरन ऑब्जेक्ट्स इज फास्टर इन कोस्टल एरियाज दैन इन डेजर्ट्स ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर. अब रस्टिंग कब होता है, तो आयन जो है ना वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है मोस्ट एयर की प्रेजेंस में, तब ये रस्टिंग की प्रोसेस होती है. कोस्टल एरिया जो है
वहाँ पे मॉइस्चर कंटेंट ज़्यादा होता है बिकॉज सी या तो ओशन नियर बाय होता है, तो ये रस्टिंग की प्रोसेस जो है वो फास्टर होती है। जबकि डेजर्ट एरिया जो है वो पूरा ड्राई एंड हॉट होता है, वहाँ पे उतनी मॉइस्चर कंटेंट एटमॉस्फेयर में नहीं होता, दैट्स वाई वहाँ पे रस्टिंग ज़्यादा नहीं होगा। हियर यू कैन सी कोस्टल एरिया में ये पूरा जो है रस्टिंग वो काफ़ी ज़्यादा हुआ है। नाउ नेक्स्ट आर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। द गैस वी यूज इन द किचन इज कॉल्ड लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। इन द सिलेंडर इट एग्जिस्ट एज अ लिक्विड। व्हेन इट कम्स आउट फ्रॉम द सिलेंडर इट बिकम्स अ गैस दैट इज चेंज ए। देन इट बर्न्स विच इज चेंज बी। द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स पर्टेन टू दिस चेंजेस, चूज द करेक्ट वन। हमारे घर के अंदर जो हम LPG यूज़ करते हैं ना, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, वो सिलेंडर के अंदर लिक्विड फॉर्म में होता है। जब वो बाहर आता है ना तो वो गैसियस फॉर्म में आता है, वो चेंज ए है। इट मीन्स लिक्विड में से वो गैस में चेंज होता है, फिर उसको हम बर्न करते हैं, जलाते हैं, तो वो जो चेंजेस हुए वो चेंज बी है। तो अब हमें कुछ ऑप्शंस दिए हैं, वी नीड टू आइडेंटिफाई विच वन इज़ करेक्ट। फर्स्ट वन, प्रोसेस ए इज़ अ केमिकल चेंज। सेकेंड ऑप्शन इज प्रोसेस बी इज़ अ केमिकल चेंज। थर्ड ऑप्शन इज बोथ द प्रोसेस ए एंड बी आर केमिकल चेंजेस। एंड फोर्थ इज ऑप्शन इज नन ऑफ दिस प्रोसेस इज़ अ केमिकल चेंज। प्रोसेस ए केमिकल चेंज है या तो बी केमिकल चेंज है, या तो दोनों प्रोसेसेस केमिकल चेंजेस है, या तो एक भी प्रोसेस केमिकल चेंजेस नहीं है। हियर यू कैन सी जो फर्स्ट चेंज है ना, वो सिर्फ लिक्विड में से गैसियस फॉर्म में आता है, बट सेकंड चेंज में वो बर्न करते हैं तो कुछ नया सब्सटेंस बनेगा, हमें हीट एंड लाइट एनर्जी मिलती है। सो आंसर इज प्रोसेस बी इज़ अ केमिकल चेंज, बिकॉज प्रोसेस ए में तो सिर्फ वो लिक्विड से गैसियस फॉर्म में आता है, इट मीन्स जस्ट फिजिकल चेंज होता है। नेक्स्ट वन इज एनएरोबिक बैक्टीरिया डाइजेस्ट एनिमल वेस्ट एंड प्रोड्यूस बायोगैस दैट इज चेंज ए। द बायोगैस इज देन बर्न एज फ्यूल विच इज चेंज बी। द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स पर्टेन टू दिस चेंजेस, चूज द करेक्ट वन। अब एनएरोबिक बैक्टीरिया इट मीन्स वो ऑक्सीजन की एब्सेंस के अंदर एनिमल वेस्ट को डाइजेस्ट करते हैं और उसमें से ना बायोगैस प्रोड्यूस होता है, वो फर्स्ट चेंज है चेंज ए। फिर बायोगैस को हम बर्न करते हैं एज ए फ्यूल, वो सेकेंड चेंज है विच इज चेंज बी। तो अब हमें कौन से चेंजेस है वो बताने हैं। फर्स्ट इज प्रोसेस ए इज केमिकल चेंज। सेकेंड ऑप्शन इज प्रोसेस बी इज अ केमिकल चेंज। थर्ड ऑप्शन इज बोथ प्रोसेसेस ए एंड बी आर केमिकल चेंजेस। एंड फोर्थ ऑप्शन इज नन ऑफ दिस प्रोसेस इज अ केमिकल चेंज। प्रोसेस ए केमिकल चेंज है, या तो प्रोसेस बी केमिकल चेंज है, या तो ए एंड बी दोनों केमिकल चेंजेस है। एंड फोर्थ ऑप्शन है कि नन ऑफ देम, दोनों में से एक भी केमिकल चेंज नहीं है। एनिमल का वेस्ट था, उसमें से बायोगैस बना है, न्यू सब्सटेंस केमिकल चेंज। बायोगैस बर्न करते हैं एज ए फ्यूल तो हमें हीट एंड लाइट प्रोवाइड करता है, दैट इज़ अगेन वन न्यू थिंग। सो बोथ वी कैन से बोथ द प्रोसेसेस आर केमिकल चेंजेस। सो ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट आंसर। वी हैव कंप्लीटेड डिस्कशन ऑफ द एंटायर एक्सरसाइज। Hope you have enjoyed this session. If you have really enjoyed it, like this video, share it with your friends. And if you have not subscribed my channel yet, please subscribe it by pressing the bell icon on the right hand side. Thank you.